Hi guys, welcome to our channel. Thank you for watching our videos and subscribing to the channel. अपने सब friends को बताने के लिए thank you. So today's video will be about self ligation braces. इस बारे में आपने पहले भी videos देखे हैं. आज के video में मैं आपको बताऊंगी कि self ligation and normal braces में फर्क क्या होता है. Why are they more expensive and उसमें आपको क्या advantage मिलता है. So सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी that self ligation जो है that is a particular type of braces. जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में भी देखा, इसमें एडवांटेज आपको जो मेजर रहता है वो ये रहता है कि दिस प्रोड्यूसेस लोअर फ्रिक्शन. लोअर फ्रिक्शन की वजह से आपको कम पेन होता है, कम प्रेशर फील होता है, आपका ट्रीटमेंट टाइम जो है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है. एंड फ्रॉम अ पेशेंट पर्सपेक्टिव आपको एक ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है कि कोई भी येलोइंग नहीं होती है ब्रेसेस में. मैं आपको एक साइड पे वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे सेल्फ लाइगेशन ब्रेसेस के अंदर एक लॉक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर ही हम वायर को एंगेज कर देते हैं, विच इज वाई नो रबर्स आर रिक्वायर्ड. नो रबर्स मीन्स नो येलोइंग. सो जैसा वीडियो में देख रहे हो, इस तरह से इस लॉक को खोला जाता है, इसके अंदर वायर को इंसर्ट किया जाता है एंड वी कैन शट इट बैक. सेल्फ लाइगेशन ब्रेसेस में भी दोनों तरीके के ब्रैकेट्स आते हैं, मेटल एंड सेरामिक. तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ लाइगेशन ऑप्शन पे आप जाते हैं तो आपको एस्थेटिक्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. दीज आर अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव दैन नॉर्मल ब्रेसेस, लेकिन इफ यू कैन गो टू द राइट स्पेशलिस्ट, गो टू द राइट डेंटिस्ट, आपको बहुत अच्छे से वो गाइड कर पाएंगे कि क्या आपके केस में इसकी रिक्वायरमेंट भी है. इन शॉर्ट, ऐसे केसेस जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, जहां हम एक्सट्रैक्शंस नहीं करना चाह रहे हैं, जहां पे स्पेस की हमें बहुत कमी है, ऐसे केसेस के लिए सेल्फ लाइगेशन ब्रेसेस बहुत ही अच्छी ऑप्शन है. तो जरूर डिस्कस करिए इस ऑप्शन के बारे में. अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल रहती है, आपका टाइम इफेक्टिव ट्रीटमेंट करवाती है, सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. इनकेस आपको और कोई क्वेश्चन है इस बारे में, आप और कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे लिखे नंबर्स पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड.